करोड़ों के महल में रहने वाले कारोबारी भी हुए मोदी के मुरीद। कई ऐसी बार शाबाश करवा देंगे जेल। जिस पाकिस्तान में रची जाती है मोदी के खिलाफ साजिश, उसी पाकिस्तान में अब कैसे पनप रहा प्यार। पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिला रहे भारत में फोक, प्लीज मोदी जी से मिलवा दो, हमारा कारोबार बढ़वा दो। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान मूल का एक ऐसा कारोबारी है जो पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहा है। पाकिस्तान मूल के अमेरिकी उद्योगपति साजिद तरार ने पीएम मोदी को एक मजबूत नेता बताया और भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला करार दिया है। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को घेरा है और आतंकवाद पर नियंत्रण को लेकर पाकिस्तान को नसीहत दी है। तरार ने पीटीआई भाषा को इंटरव्यू देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी न केवल भारत के लिए अच्छे हैं बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी अच्छे हैं, और हर जगह यही कहा जा रहा है कि मोदी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान को भी पीएम मोदी के जैसा कोई नेता मिलेगा। पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे को याद करते हुए उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान का दौरा किया। उम्मीद है कि पीएम मोदी पाकिस्तान के साथ संवाद और व्यापार शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए भी शांतिपूर्ण पाकिस्तान ही अच्छा होगा। आपको ज्ञात होगा कि पीएम मोदी ने 25 दिसंबर 2015 को एक ट्वीट कर घोषणा की थी कि वो उसी दिन पाकिस्तान जा रहे हैं और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, और अफगानिस्तान की यात्रा से लौटते हुए पीएम मोदी लाहौर में उतरे थे। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते करते तरार यही नहीं रुके और तड़ाक से पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार को ही घेर लिया और पाक सरकार द्वारा पीओके के लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाने के फैसले पर सवाल उठाया। तरार ने कहा, पैसा कहां से आने वाला है जब पाकिस्तान आईएमएफ से एक नए सहायता पैकेज पर चर्चा कर रहा है और पाकिस्तान वित्तीय संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, अफसोस की बात है कि जमीनी स्तर के मुद्दों को हल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, आतंकवाद पर कैसे काबू पाया जाए और कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। फिलहाल पाकिस्तान में पीओके किसी अशांति है और राजनीतिक अस्थिरता है। तरार ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा नेतृत्व मिले जो हमें इन सभी मुद्दों से दूर अगले स्तर पर ले जा सके। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तरार ने पीएम मोदी की तारीफ की। इससे पहले भी वो पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही तरार ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि वो मोदी के कामकाज करने के तरीके से प्रभावित है और उनको लगता है कि मौजूदा साल उनके नाम होने वाला है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन सभी चरणों में 66.14%, 66.71%, 65% मतदान दर्ज किया गया है। देश में अगले 3 चरणों के लिए मतदान 20 मई, 25 मई और 1 जून को होगा। सभी सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। इस बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम की कुर्सी तक आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लोग मतदान के लिए घरों से निकल रहे हैं और पीएम मोदी के लिए लोगों में क्रेज है, उससे बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। और यदि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो पीएम मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता।